और बाप रे बाप, हवा हवा, कान में क्यों नहीं कुछ ले लिया था तुमने? यही पहन के आना है कल से। आपका घूम फिर के ना इसी पे आता है। घूम फिर के एक चीज दिखा। कितनी ठंड है, और आज तो अभी 24 दिसंबर ही है आज तो, और ठंड देख लो यार। ये चिड़ियों को ठंड नहीं लगती क्या? देखना ऐसे घूम रही है ये। हाय माय गॉड, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। ये देखो धुआं निकल रहा है मुंह से भी। एंड सुबह के बजे 9 o'clock, आज एकदम छुट्टी वाला दिन। तो भाई सर्दी में एकदम मस्ती से उठने का, गर्मियों में क्या होता था, मैं जल्दी उठ जाता था और काम धंधा सब सुबह में ख़त्म। और मेरे बाल देखो, ये मैं अभी अभी डिज़ाइन करवा के आया हूँ सैलून से, ऐसा नहीं लगा। तो आज मेरी छुट्टी है, मेरी कल भी थी, कल मैंने छुट्टी ली थी अंजलि करके, और आज मेरी वैसे सैटरडे ऑफ है, संडे वैसे ही ऑफ है, तो मेरी 3 दिन की छुट्टी थी वो कंप्लीट करनी है। एंड आज अंजलि ने जाना अपने ऑफिस, और अंजलि के ऑफिस में आज क्रिसमस पार्टी भी है। तो क्रिसमस पार्टी में इन लोगों को मेल आया कि रेड या ग्रीन कुछ पहन के आना है। तो भाई एक दिन के क्रिसमस के लिए रेड या ग्रीन खरीदना नॉट पॉसिबल है ना, तो भाई जो है वो पहन के जाओ। तो मैंने अंजलि को बोला कि एक टी शर्ट अंजलि के पास है ना रेड कलर की, मैंने कहा वो वेयर कर लो अंदर से, ऊपर से कोट वोट कुछ डालो, तुम्हारा रेड टच हो जाएगा। हाथ में तो भाई फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतना फोगी फोगी सा मौसम हुआ पड़ा है, और पता नहीं मैं घर पे क्या करूँगा आज अकेले। एक और चीज़ दिखाता हूँ हम लोगों को। ये देखो क्या शीशे के बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, बट ये देखो शीशे पे ना पानी 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 हुआ पड़ा है। ये देखो पूरा गिल्ला हुआ पड़ा है, अपने बर्फ जैसा पानी है। तो मैं आ चुका हूँ किचन में, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद किचन का दरवाजा खोलेंगे, एंड यहाँ पे हम बनाएंगे राइस परांठे। बहुत दिन हो गए खाए हुए राइस परांठे, आज मैं अपने हाथों से पहली बार अंजलि को बना के खिलाऊंगा राइस परांठे। पता नहीं कैसा बनेगा, ये तो पूछो, मुझे ना स्टफ करने नहीं आता। चावल को स्टफ करके फिर बेला जाता है, वो मेरे से फट जाता है, बट एनी हाउ जो भी होगा देखा जाएगा, मैं आज बना के आऊंगा। तो रात को हमने राइस बनाया था, तो उसमें थोड़ा सा अंजलि ने छोड़ दिया था, तो उसके 2 परौठे तो इजीली बन जाएंगे। तो अंजलि ऑफिस जाना है, अभी परौठे बना के उसको खिला के भेजता हूँ, बाद में कुछ और बनाऊंगा और फिर इसके ऑफिस दे के आऊंगा गर्मा गर्म खाना। आज मेरी छुट्टी है, मेरी कल भी छुट्टी है, तो दोनों दिन इसको ना गर्मा गर्म खाना दे के आऊंगा, एकदम तड़कता भड़कता खाना। बहुत ठंड लग रही है भाई, मेरा तो अच्छा हुआ ऑफ है। वैसे ऑफिस जाना होता है ना, तो सुबह सुबह उठ के नहा के एकदम पूजा पाठ करके इधर उधर और तैयार, 9 बजे में ऑफिस पहुंच जाता हूँ। बट दिस सिचुएशन, घर पे रहना तो बहुत ही मुश्किल है। पहले दीदी वाली साइड रहता था, तो मैं वहां से दीदी के यहाँ चला जाता था, दीदी घर पे होती थी। बट अब क्या हुआ है कि दीदी भी जॉब करने लगी है, तो यहीं पे पास में दीदी का भी ऑफिस है ना, तो घर पे कोई नहीं है। रणवीर स्कूल जाएगा, उसकी भी पार्टी वार्टी होगी शायद। तो फ्रेंड्स, अंजलि जी हमारी तैयार हो गई हैं, और अंजलि जी के कोट से निकला है एक बेल्ट, जो कि हमारे काम आने वाला है, इसको हम एज ए मफलर यूज करेंगे ऐसे करके। ऐसे बढ़िया नहीं लग रहा वॉलवेट का? दिखाना रेड टी शर्ट, दिखाना रेड टच वाला। ओ वाह वाह वाह, तो ये अपना झालम पोलम डाली आज सारा कुछ। जीन्स कैसा लग रहा है अंजलि, नया न्यू जीन्स कैसा लग रहा है, फील बताओ इसका। पुराने वाले जीन्स जैसा फील आ रहा है। चल झूठ बोल रहे, अभी तो कह रही थी मखमल जैसा लग रहा है।
हम जाऊँ पराठा बनाऊँ तुम डाला वास्ते, हम बिना खाए हुए हम नहीं जाने देंगे सलाद। डिजाइन मार दो वो मंजूर है, लेकिन सुबह सुबह ना पॉजिटिव बातें किया करो, नेगेटिव बातें मत करो। तो मैं बोल रहा हूँ रोटी खा के जानी है। मनी के प्यारे प्यारे हाथों से बने हुए प्यारे प्यारे पराठे, ठंडा लग रहा है। तो ठंडा है तो ठंडा लगे, गर्मी लगेगा क्या यार? मेरा अच्छा खासा हाथ सही हो गया था, इसमें हाथ कहाँ से आ गया? कम से कम कुछ तो मैं कर ही लेती थी ना मोस्टली। तो खाना पसंद है? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत हो गया ना आपको ठंड में। फिर क्या हो गया? तुम्हारे लिए नहीं दिक्कत होगा तो किसके लिए होगा? चलो मैं जाती हूँ। जा शूज पहनो, छेती करो, ठीक है? जा एक पराठा खा, उसमें ये भी रख दे जरा। हां फेरन लवली, अच्छा चार जा, हम लोग फेरन लवली लेके जाएगी। कैसा लगा हमारा हाथ का? बहुत अच्छा है। नहीं झूठ मत बोलो, अभी तो बोल रही थी नमक नहीं है, कम है, मतलब नमक करारे हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है, पतले से आए, मस्त वाले है ना। बहुत अच्छा है, सीरियसली कह रही हूँ। नहीं छोड़ो जो भी है, चलो यार सच में अच्छा, अच्छा है।, है एक नमक कम है बस, इसके अलावा बाकी सारा कुछ अच्छा है। अब से मैं भी ना सिर्फ काली मिर्च दे के बनाऊंगी, अपनी मसाला दूंगी। ओके लीजिए तैयार हो गई है। और बाप रे बाप, हवा हवा, कान में क्यों नहीं कुछ ले लिया था तुमने? ये गार्डनिंग कितनी सुंदर लग रही है ना, है ना? इसको ऐसे खड़ा कर दूं क्या? कान कान तो पा जाएगा है? ऑफिस से तुमने आज क्रिसमस की पार्टी हुई है तुम्हारे ऑफिस में, फिर क्या क्या खाया तुमने? कुछ पिज्जा खाया, पनीर पकौड़ा खाया, वो वाइट वाला मिठाई खाया। वाइट वाला मिठाई कौन सा होता है? सारा मिठाई वाइट ही होता है। हाँ वो जिला चीनी वाला। चीनी वाला बर्फी उड़ भी था क्या? नहीं यार, आपको पता है बर्फी उड़ भी था, बहुत ज्यादा आप जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ तुम बताओ ना यार, वाइट वाला तो भाई लोग, वाइट वाला था गोल जैसा है ना वैसा ही। अच्छा लीजिए तुमने विस्तार से बताइए ना, कठी कठी खाई कहला ज्यादा खा लिया कागे? एकदम बड़ा वाला स्लाइस। इसमें हमारे लिए केक थोड़ा सा दिखा, लाइट नहीं है, ड्राई केक का पैकेट मिला। अकेले आप आज खूब घूमे हैं? आज हम किसको लेकर गए थे मॉल? यार अकेले गए थे यार अंजलि, यार को लेकर गए थे? लड़की का सही सही बता दो यार, मॉल में लड़की की कमी होती है क्या? नहीं आप अकेले तो नहीं जा सकते हो मॉल, बताओ। सच्ची कह रहा हूँ, अकेले गया था। साइड हो गई। तुम्हें पता है हमारे लैंडलॉर्ड कहीं चले गए? कहाँ? छुट्टी मनाने गए। अच्छा। तो हमारा घर पे हम अभी अकेले हैं, हम दोनों बस ओनली। okay. तो गाइस ड्राई केक लेके आई अंजलि, तो वाइट ड्राई केक। आप मुझे क्या दे रहे हो क्रिसमस पे? तुम क्या दूं यार अंजलि, क्या मजाक है क्या यार कुछ भी क्रिसमस पे? चाबी हमारे पास है, खोलिए। नहीं हम नहीं खोलेंगे। मनी मेरी ना हालत खराब हो रही है। किस लिए हो रही है ये बता दे बस। ठंड लग रही है, पेट फटा जा रहा है। क्या यार मेरे ऑफिस में पार्टी होती ना तो हम तो दबा के खाते, धरो हम खोलते हैं। एक ही पिज्जा का स्लाइस खा के मैं बच पाऊंगी? ड्राई केक दिखा दे थोड़ा सा, खोल पहले अब। क्या यार तुम भी ना, तो गजब का ठंडा हो रखा है मनी। आप खाली पैर दौड़ रहे हैं? चप्पल अभी तो बाहर खोला मैंने। आप मेरा बैग क्यों ला रहे हो? चीड़ेंगे और चम्मच से खाएंगे, मजा आ जाएगा। तुम तो नहीं खाएंगे अभी, तुम्हारा पेट भरा लगा। कोई ना आप खा लो, सारा खा लूंगा ना। खा जाइए, मेरी तरफ से यही है आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट। और मेरी तरफ से जो मैं आधा छोड़ दूंगा वही है गिफ्ट। ए मनी नाटक मत करो,
मैं बात नहीं करूंगी आप जी, इसमें से आधा अंजलि का आधा मेरा बोल दिया मैंने। ऑफिस में आज बहुत अच्छी वाली पार्टी हुई, बट ठंड की वजह से एक तो खुला एरिया था ग्रीन पार्क एरिया, तो खुले में मैं गई नहीं, अपने सीट पे बैठी रही हीटर चला के। ठंड में ना बहुत दिक्कत है, बहुत। मैं बाइक लगा के आ रहा हूँ अंदर। तो आप उसी टाइम क्यों नहीं लगाए थे? ओ यार तुम्हारी जल्दी छुट्टी। आपका घूम फिर के ना इसी पे आता है। घूम फिर के एक चीज दिखा। ओह माय गॉड, सारे कपड़े अच्छी तरह। यार आप इतने समझदार कैसे हो गए? मैंने ये क्या कर दिया आपने, इतना अच्छे से नीचे भी किया है क्या? नीचे यार तुमने पहले सेटिंग कर रखी है, मैंने ना छेड़ी है वो। कोई ना, आज ये सारा केक आपका। सारा क्या, किधर किधर खाऊंगा मैं? पीछे क्यों घुमाया था? इतना थोड़ी ना खाया जाएगा मुझसे। कोई ना, आज मैंने नहाया नहीं पहले, बता रहा। यार तो क्या हो गया, आप वैसे भी ठंड में भी ठंडे पानी से डेली नहाते हो, मुझे बहुत तरस आता है। बैठिए ना, तोड़ मत दीजिएगा, डब्बा टूटा ना तो देख लीजिएगा, आपका चश्मा तोड़ दूंगी। दस हुआ गया फिर महंगा फ्रेंड्स देखती भैया, बैठ के खाइए। आइए लगा दूं। जूठा खा लेगी ना तुम? कैसी बात कर रहे हो, क्या मैं खाती नहीं? वाह, बनाने वाले के हाथ में जादू है, तभी तो इतना फेमस है। वाह, दो फ्लेवर है, ये सेम ही है, कलर अलग, ड्राई फ्रूट और ये चॉकलेट, वनीला चॉकलेट।